हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसे कि हम लोग चॉको चिप्स बनाने वाले हैं, तो चॉको चिप्स के लिए हमें चाहिए पाइपिंग बैग और नोज़ल और फॉइल पेपर और डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अगर आपके पास ऐसे डार्क कंपाउंड चॉकलेट मेल्टिंग के लिए नहीं होगा तो आप डेरी मिल्क या और भी कोई पसंदीदा फेवरेट चॉकलेट ले सकते हैं। अभी और फॉइल पेपर भी नहीं होगा तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। और ये पाइपिंग बैग अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, इन दोनों के ऊपर, नोज़ल और पाइपिंग बैग के ऊपर। तो वो आप देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं घर पे। और मैं नोज़ल वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि पाइपिंग बैग का जो पॉइंटेड अगर होगा ठीक से पॉइंटेड तो अच्छा होगा, तो हम लोग को नोज़ल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा पाइपिंग बैग का नोज़ल मतलब जो पॉइंट है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए फिर मेरा मैं ये नोज़ल यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपका भी ऐसे पॉइंट बराबर से नहीं है तो आप भी नोज़ल यूज़ कीजिए। नोज़ल से अच्छे से राउंड वाला शेप का है ना, तो इससे अच्छे से चॉको चिप्स आ जाएगा शेप में। तो ये सब कुछ था हम लोग का इंग्रेडिएंट्स। और भी थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स है जो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो अभी देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है हमारा। सो गाइज, हम लोग ये चॉको चिप्स बनाने के लिए हम लोग जो ये चॉकलेट लेने वाले हैं उसे हमको मेल्ट करना होगा। तो आप अपने पसंद का चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने ये वाला लिया है, आप डेरी मिल्क या कोई और ले सकते हैं। तो इसे मेल्ट करने के लिए आप डबल बॉयलर में मेल्ट कीजिए, या फिर मेरा सेकंड तरीका है जो सिंपल है बहुत। तो सेकंड तरीका जो सिंपल वाला है वो ये है कि आप पहले से ही एक बड़ा सा बाउल लीजिए जिसमें आप पानी गर्म कर दीजिए, और फिर वो पानी गर्म होने के बाद आप साइड पे निकाल दीजिए, गैस बंद कर दीजिए। आपको अभी गैस की मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम लोग वो जो पानी हम लोग हॉट है वो ज़रा संभाल के उसके अंदर हमारा जो चॉकलेट का बाउल होगा वो रखना है, जिससे उसके गर्म पानी के गर्मी से वो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी जल्दी से ही। और फिर वो मेल्ट होने के बाद हमारा जो लिक्विड है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डबल बॉयलर पर करना हो तो मैं वो भी बता देती हूँ कि आप अपना एक बड़ा सा बाउल लीजिए, उसमें पानी भरिए और गैस पे रख दीजिए। और गैस पे रखने के बाद जो अलग वाला बाउल होगा जिसका सेम साइज़ होना चाहिए वैसे ही, वो आप रखिए उसके ऊपर और उसे मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डबल बॉयलर करेंगे तो आपको पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर लेनी होगी, और हाँ सेकंड में भी आपको लेनी ही होगी, इसीलिए पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। तो मैंने आपको बोला था डेरी मिल्क या कोई भी ले सकते हैं, तो आपके पास अगर वो कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो ऐसे डेरी मिल्क ले लीजिए। लेकिन इसमें कोई भी नट्स या ये नहीं है तो आप वैसे ही लीजिए, क्योंकि लिए उसमें क्या नट्स नहीं आने चाहिए चॉको चिप्स में, तो अलग करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने विदाउट नट्स वाले लिए हैं डेरी मिल्क वाला। अगर आप डेरी मिल्क या कोई भी ऐसे मेल्टिंग चॉकलेट होगी तो वो आप ले सकते हैं, तो ऐसे आप लोग ऐसे भी डेरी मिल्क ले सकते हैं। तो हम लोग का मेल्टिंग चॉकलेट तो हो ही गया है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉइल पेपर और नोज़ल और ये पाइपिंग बैग हमें लगने वाले हैं। तो हम लोग मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमें ये नोज़ल का इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें हमें कैसे मतलब प्लेस ऑन करना है। तो हम लोग ये फॉइल पेपर ऐसे लेंगे या बटर पेपर, ऐसे फुल शीट है, थोड़ी सी मैंने ली है शीट, उसमें हम लोग प्लेस करने वाले हैं हमारे चॉको चिप्स। तो अभी हम लोग ऐसे लेंगे फॉइल पेपर या बटर पेपर, और बाद में हम लोग ये जो पाइपिंग बैग है उसमें हम लोग ये जो हमारा लिक्विड जो हम लोग मेल्ट करके चॉकलेट जो मेल्ट किया है उसमें हम लोग वो लिक्विड हम लोग इसमें डाल देंगे, वो जो चॉकलेट है वो इसमें डाल देंगे हम लोग गनाश। और फिर आपका पॉइंटेड नहीं है, मैंने आपको पहले बोला था, अगर आपका पॉइंटेड नहीं होगा तो आप नोज़ल यूज़ कीजिए, और अगर पॉइंटेड होगा तो फिर अच्छा है। लेकिन मेरा पॉइंटेड नहीं है ठीक से, इसलिए मैं नोज़ल यूज़ करने वाली हूँ। तो ऐसे आप पहले से ही नोज़ल डाल दीजिए अच्छे से अंदर, पॉइंट अलग जितना वो अंदर जाता है उतना अंदर जाने दीजिए। और अभी जो आगे का ये पॉइंट जो रह गया है जिसमें हम लोग उसमें कैंची से कट कर लेंगे, तो हमें पहले ही कट नहीं करना है, पाइपिंग बैग में हम लोग गनाश डालने के बाद कट करेंगे। और ये जो है हमारा फॉइल पेपर उसके हम लोग ऐसे प्रेस करके कर देंगे, सारे चॉको चिप्स को शेप आ जाएगा फिर बाद में। तो आगे की रेसिपी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो अभी के लिए ऐसे ही सब कुछ सब रेसिपी है।
सो गाइस, ये ऐसे बॉईल हो रहा है, ये गर्म पानी मैंने रखा है और इसके ऊपर ये है, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दूसरा इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये जो है ना वो बहुत, मतलब ये जो चॉकलेट है वो बहुत थोड़ी सी लिक्विड ही होनी चाहिए, लेकिन ये जो है वो बहुत मतलब आई बोल ना थिक थिक होता है, इसलिए मुझे ऐसे ऐसे मेल्ट करना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा थिक ना हो, और मैं मुझे ऐसे मेल्ट करने से भी थिक थिक ही मिला, इसलिए फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दूध डाला है। आप दूध के बगैर पानी भी डाल सकते हैं, मैंने दूध 2 टेबल स्पून डाले बाद में और स्मूथ होने के लिए, और फिर मैं इसे होने के बाद मैं इसे रखती हूँ थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, ठंडा है इसीलिए। मैंने ये प्लेट लिया और फॉइल पेपर रखा है इसके ऊपर, अभी हम लोग इस प्लेट पे ऑयल का लगा ऑयल लगा लेंगे, और डिश मैंने सपोर्ट के लिए ली है, नहीं तो ऑयल अभी हम लोग ऑयल लगा लेते हैं। ऐसे मैंने ये ब्रश ऑयल में डिप करके ऐसे लगाया, आप बटर भी लगा सकते हैं इसके ऑयल के अलावा, और अगर बटर पेपर हो तो कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे पूरे इस पे लगा लीजिए तो वो स्टिक नहीं होगा, चौको चक जल्दी से निकल जाएगा बहुत स्मूथली। ऐसे आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, अच्छे से हम लोग कर लेंगे। ओके, तो ये जो हो चुका है मेरा ऑयल लगा के, मैं इसमें थोड़ी देर रखूँगी अपने ये जो पाइपिंग बैग है, वैसे भी हमारा क्रीम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा ही है मैंने बाजू में रूम टेम्परेचर में, अभी मैं इसमें नोज़ल डालती हूँ, ये जो नोज़ल है राउंड शेप वाला है ये, तो मैं अभी उसमें डालती हूँ। पाइपिंग बैग आपकी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, तो सारा क्रीम बाहर निकल जाएगा, जितना अंदर जाता है नोज़ल उतना अंदर जाने दीजिए, मैंने बहुत अंदर लगाने की कोशिश की, बाद में वो रुक गया, मतलब वो उसका लास्ट एंड है, तो अभी इस पहले ही हमें थैले को काटना नहीं है ऑयल की टिप से, क्योंकि लिए अभी अगर हम लोगों ने काटा फिर तो लिक्विड सारे नीचे आ जाएगा, इसीलिए हम लोग बाद में काटेंगे। अभी ये जो है ये थोड़ा सा लिक्विड ही नहीं था, इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी भी डाल दिया, दूध तो था तभी लिक्विड ही नहीं था, इसलिए मैंने पानी डाल दिया है, अगर आपके चॉकलेट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये जो बटर पेपर हो चुका है, अभी हम लोग ये जो चॉकलेट है देखिए मेल्टिंग हो चुका है, कैसे है ये, अभी ये मैं डालूँगी, मेरा क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली है, आई नो इट, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी क्योंकि ये मुझे स्टोर करके रखना है, और स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा करके स्वीट लोग खाते नहीं हैं, सिर्फ मैं और मेरी बहन ही हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बनाई है। देखिए, तो अभी मैं इसको पाइपिंग बैग में डालती हूँ, तो हम लोग अभी ऐसे ही इसमें डाल तो नहीं सकते, इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, एक ट्रिक, मतलब ये कॉमन ट्रिक है, तो ये जो है पैकिंग बैग वो ऐसे ग्लास में डाल दीजिए, और ग्लास में से ऐसे ग्लास में रख के इसमें डाल देंगे, मैं पूरा डाल दिया, मैंने डाल दिया है, और ये चको चिप्स जो है वो थोड़े से बड़े हो गए मेरे, मतलब फर्स्ट टाइम है ये चको चिप्स बनाना, तो इसीलिए तो ये जो है बाकी के सारे ठीक से हो गए हैं और मैंने इसे लगा लिए हैं, आई नो ये इक्वल होने चाहिए थे, मेरी इस तरफ से नहीं हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, और वो बहुत सुपर बने, लेकिन अभी मैंने इसमें रख दिया है फ्रीज़र में, एंड फ्रीज़र में 15 to 10 मिनट्स रखिए, और ये निकल आसानी से निकलता है, और ये आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आई नो बहुत यमी होता है ये, ट्रस्ट मी ये सच में बहुत अच्छा लगेगा। और ये अभी हम इसे चोको चिप्स निकाल लेंगे, वैसे ये निकालने में बहुत देर लगेगा, वैसे मेरे पास एक ट्रिक है, आप एक इस फॉइल पेपर को फोल्ड फोल्ड कीजिए थोड़ा सा, शायद निकल जाए, या टैप कीजिए। अभी मैं ये बाउल में सारा बाउल में रख रही हूँ, वैसे मेरी क्वांटिटी बहुत कम हुई है लेकिन मुझे इतनी सी ही चाहिए थी, तो मैंने ये बाउल में जो है, और मेरे हाथ में चॉकलेटी हो गए हैं, वो उसकी वजह से नहीं हुए, मैं थोड़ा सा चॉकलेट खा रही थी, तो हाँ, तो मैंने ये जो है वो अच्छे से चॉकलेट जो चॉकलेट का है वो बहुत अच्छे से चॉको चिप्स में रेडी है,
मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि हम लोग ज़्यादा चॉको चिप्स यूज़ मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जो बनाने वाली हूँ पप्पा का आज बर्थडे है तो उसमें मैं मुझे ज़्यादा चॉको चिप्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिर मैंने इतने से ही बनाए हैं और उसका मतलब वीडियो निकाल के आपको भी अपलोड कर दूँगी। तो ये गाइस था हमारा चॉको चिप्स का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी, क्योंकि शेयर करने से मेरे दूसरे लोगों की भी रेसिपी पहुंच जाएगी। थैंक यू।